यहाँ पे ना क्या क्या दिल्ली सरकार जो वादे की है, अगर सिर्फ दो बातें हटा दी जाए गाइस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हमें दिल्ली और यहाँ फ्रेश हो चुके हैं और आज हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद में चलेंगे नमाज पढ़ने और इंशाल्लाह वहाँ पे दुआ किया जाएगा। और आज का ब्लॉग यहीं शुरू करते हैं। एक नए से ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी हम हैं LNJP यानी लोकनायक हॉस्पिटल में हैं। यहाँ पे ना क्या क्या दिल्ली सरकार जो वादे किए हैं उसको हम 5 दिनों में एक्सपीरियंस किए हैं। अगर सिर्फ दो बातें हटा दी जाए गाइस तो दिल्ली सरकार सच बोलती है, वो दो बात जानने के लिए हमारे साथ चलिए हॉस्पिटल में, हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं। अंदर आ चुके हैं लोकनायक हॉस्पिटल और ये है इमरजेंसी वार्ड और ये गेट नंबर 4 से अभी हम अंदर आए हुए हैं। और यहाँ पे मेरे मामा अभी एडमिट हैं इसलिए यहाँ पे आज पिछले 5 दिन से हैं और हम आपको बताते हैं यहाँ की सारी बातें। गाइज यहाँ पे देखिए आज का डेट है, टोटल नंबर ऑफ कोविड बेड 450 और ICU बेड 178 है और एक ही ऑक्यूपाइड है। और ये 7 मंजिला हॉस्पिटल है गाइज और ये दिल्ली सरकार द्वारा चलाया जाता है। तो और हम दिखाते हैं, जब इमरजेंसी केस होता है तभी गेट नंबर 4 से आना होता है और ऐसे नॉर्मल दिखाने के लिए आपको लेके चल रहे हैं OPD में। यहाँ से थोड़ी दूर पे इसे अंदर से गेट नंबर 4 से भी एंट्री करके आप ऐसे जा सकते हैं। ये जो सामने वाली बिल्डिंग है ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और ये गेट नंबर 2 से आप एंट्री करोगे वैसे ही मिलेगा। और इस रास्ते से भी आप जा सकते हो OPD जो न्यू केसेस है उसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अब हम आगे चल रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। नॉर्मल चेकअप के लिए हम लोग OPD जाते हैं। OPD ग्राउंड फ्लोर में ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है और ये ऐसे लाइन लगा रहता है, आप रजिस्ट्रेशन कराइए और अपना आधार कार्ड दे दीजिए तो इजीली वो सारा फिलअप कर देते हैं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्लीनिंग है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे ध्यान रखा गया है क्लीनिंग और हर चीज़ों का। तो गाइज आपको यहाँ आकर बैठ जाना है, जो भी रूम नंबर मिलेगा और रूम नंबर के हिसाब से एक लाइन में आपको लग जाना है। लाइन में लगने के बाद आपको जैसे ही चांस आएगा आपको डॉक्टर देख लेगा। डॉक्टर देखने के बाद गाइज आपको दवा भी फ्री है, एवरीथिंग फ्री है, तो आप आराम से ये सब ले सकते हो। और लेने के बाद हम लोग फिर चलेंगे बाहर की तरफ। और याद रहे कि हम गेट नंबर 2 से आए, आप गेट नंबर 3 से आए अगर आपको नॉर्मल चेकअप कराना हो तो। गाइज आप गेट नंबर 3 से आओगे उसके ठीक सामने ही देखोगे लाल शेर सिंह की एक स्टैचू लगी हुई है जो इस हॉस्पिटल के यही फाउंडर हैं। 1981 से लेकर 1953 तक ये इस दुनिया में रहे। एक्सरे का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहाँ पे आपको आना होगा गेट नंबर 3 के पास। यहाँ पे अभी काम चलने लग रहा है फुटपाथ का गेट नंबर 3 से गेट नंबर 2 तक। गाइज अगर एड्रेस की बात की जाए तो ये वाला जो सड़क आप देख रहे हैं ये जवाहरलाल नेहरू के नाम से सड़क है ये। और यहाँ पे ना आने के लिए आपको लोकनायक हॉस्पिटल आने के लिए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से दोनों सेम पड़ता है 2 किलोमीटर दूर। और ये पंत हॉस्पिटल और लोकनायक हॉस्पिटल एक दूसरे के बाजू में। सच है कि इस हॉस्पिटल में सारी चीज़ें फ्री हैं बट दो चीज़ें बहुत ही अजीब है और बुरा है। पहला चीज़ कि यहाँ जो गार्ड है ना उनको बोलने का कोई तमीज़ नहीं है। गाइस चलते हैं मुंबई, अभी हम हैं इंडिया गेट पे और यहाँ पे फिर कभी वक्त मिला तो यहाँ का भी ब्लॉग बनाएंगे। और जल्दी से चलते हैं मुंबई और ये आ गए मुंबई। गाइस यहाँ पे अभी OSR इंटरप्राइजेज मेरा दोस्त का एक शॉप ओपन हुआ है तो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। गाइस ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लियाकत खान ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए और बहुत ही कम बचा है वॉच आवर तो पूरा वीडियो देखिए, पूरा ब्लॉग देखा कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।